हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? माता जानकी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। पता नहीं मैं पूरा कब ठीक होंगी, आधी आधी ठीक हूँ, क्योंकि जब दवाई लेती हूँ तो थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ, फिर दवाई का असर जैसे ख़त्म होता है तो फिर से मेरा हालत बिगड़ जाता है। आप लोग सोचते होंगे हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं है, बस सर्दी है, सर्दी की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। कभी फीवर आ जाता है, कभी नाक बंद हो जाता है, तो कभी गले में दर्द होता है, तो कभी आँख खोलने का मन नहीं करता, तो पूरे दिन सोई रहती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे काम कैसे चलता होगा घर का तो जब तक दवाई चलता है काम चलता है, दवाई का असर ख़त्म, काम तमाम। तो यही चल रहा है हमारे जीवन में अभी फिलहाल, अभी, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग एनिवर्सरी के ब्लॉग के बाद का ही ब्लॉग है जो मैं आज सोची कि बना लूँ। इसलिए सोची कि थोड़ा तबीयत के बारे में आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। मैं रील्स बनाती हूँ, डेली बनाती हूँ, लेकिन मैं खुद को एकदम अंदर से मजबूत करके रील्स बनाती हूँ ताकि फ़र्क ना पड़े, आप लोगों को पता ना चले कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। आप जिसको देखना चाहते हैं खुश, एकदम चहकता हुआ, वो अगर उदास चेहरे से आँख पे आँसू लिए या बुझे बुझे तरीके से वीडियो बनाए तो ये देख के अच्छा नहीं लगता है ना। हम जिस चीज़ को देख के खुश होते हैं उसी चीज़ को देख के निराश हो जाए, दुखी हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं जब भी रील्स बनाती हूँ ना, तो मैं दो जगह रील्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, एक रील्स पे और एक टिकटॉक पे। तो टिकटॉक का जो होता है फिल्टर वो एकदम सिंपल होता है, उसमें तो कुछ कुछ पता चल भी जाता है फेस को, लेकिन जो रील्स का फिल्टर होता है कुछ ज़्यादा मेकअप कर देता है आपके चेहरे को, एकदम आपके चेहरे पर ग्लो ला देता है, एकदम हरा भरा कर देता है फेस को। अभी जैसे देखिए मेरा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, इस चेहरे से अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोग दुखी हो जाएंगे ना। इसलिए मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं थोड़ा अपना चेहरे को एकदम कूल रखती हूँ ताकि आप लोगों को ना लगे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और देखिए मेरे को कहीं सिटी लग रहा है खाना बन गया मेरा खाना, आज लेट बना है क्योंकि मैं लेट तक सोई रह गई, रात में दवाई खाई थी तो उसका शायद नशा था मुझे दवाई का, जिससे सर्दी का दवाई लेने से क्या होता है आपको अगले दिन के आधे दिन तक नींद आती रहती है, आँख नहीं खुलता रहता, तो यही मेरे साथ अभी हो रहा है। मैं जो दवाई लेती हूँ ना उसके बाद मुझे ना नींद ज़्यादा आती है, कुछ करने का मन नहीं करता और घर में कोई करने वाला है भी नहीं, खाना वाना बनाने वाला कोई है भी नहीं, तो मैं खुद से बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा ठीक रहूँगी तो ना बनाऊँगी टाइम पे। वैसे तो मैं शिवम को टाइम पे बना के भेज देती हूँ, उसको 10 बजे उसका स्कूल रहता है तो उसको मैं खाना बना के भेज देती हूँ, और फिर खाओ खुद या ना खाओ जाके सो जाती हूँ, कुछ देर सो के उठती हूँ तब जो बाकी का काम रहता है। तो अभी ऐसा चल रहा है मेरे साथ क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को मैं पता नहीं चलने देती हूँ अपने रील्स के ज़रिए, रील्स में मैं एकदम हाँ। तो आपको, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये रील्स को लेके इतना क्यों खुश रहती है, रील्स में चाहे रील्स बनाने में, तबीयत ख़राब में भी ये रील्स पे ही क्यों ध्यान देती है, इसकी भी वजह है। रील्स बनाने का मुझे ना, मतलब ये सोचिए ना, एक्टिंग का जो वो होता है ना, वो फीलिंग, वो मुझे ना बचपन से ही है, तो मुझे अच्छा लगता है रील्स बनाना। मुझे ऐसा लगता रहता है कि मैं अगर रील्स ना बनाऊँ तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ सच में बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता रहता है कि उदास खुद को उठो और तैयार करो रील्स बनाने के लिए, ये काम रहता है दिमाग में चलता रहता है कि आप अगर रील्स ना बनाओ तो आप करोगे क्या।
रील्स आपकी पहचान बन गई है ना, और ये रील्स मेरी पहचान बन गई है इस वजह से भी, मेरी खुद की सोच है कि मैं ये रील्स को टाइम टाइम पे बना के अपलोड करती रहूँ ताकि आप लोगों को इंटरटेनमेंट करवा सकूँ। आप लोग सोचते होंगे इनके घर में कुछ काम धंधा नहीं है जो हमेशा लगी रहती है इस पर, है हम लोग के पास भी बहुत काम है, बहुत मजबूरियाँ रहती है, कभी कभी बहुत सैड रहती हूँ, लेकिन फिर भी रील्स बनाती हूँ क्योंकि रील्स बनाना मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। दूसरी बात तो ये है कि मेरे रील्स को इतना सपोर्ट किया जाता है, इतना मेरे रील्स को देखा जाता है, तो मुझे वो चीज़ से भी थोड़ा सहूलियत मिलती है कि मैं जो करती हूँ तो आप लोग उस चीज़ को प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, अपना एक फीलिंग रखते हैं कि आपका वीडियो ना देखूं तो हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता है, पूरे दिन इंतज़ार रहता है आपके वीडियो को, तो ये सब भी मुझे एक सपोर्ट देता है रील्स बनाने में। तो आप लोगों का जो ये रील्स, मेरा रील्स देख के खुश हो जाने का जो ये निंजा टेक्निक है ना, इसको मैं बचा के रखती हूँ हमेशा, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है कि आप लोगों को रील्स देखना है और मुझे रील्स बनाना है, तो इसके लिए मैं कब टाइम निकालूँ, कब मैं ठीक रहूँगी, कब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, कोई टेंशन रहे, चाहे मैं बीमार हो, चाहे घर में कोई गेस्ट आए, चाहे कुछ भी हो, मैं 15 सेकंड तो निकाल ही सकती हूँ, और मुझे रील्स बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे जो फिल्टर है ना उसमें ना लिपस्टिक भी नहीं लगानी पड़ती है, जस्ट बैठ जाओ आप, बाल बाल ठीक कर लो, बैठ जाओ, अच्छे दिखने की ज़रूरत नहीं है, गाना अच्छा होना चाहिए, मूड खुद चेंज हो जाता है, और पुराने गाने को लेकर तो मैं अपना मूड यू चेंज कर लेती हूँ। तो बात बात में मेरी सब्जी भी बन गई, सब्जी बन गई, अब मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ और बीच बीच में फूकी हो जाती है, तो मैं आपको अपने घर का हालत बताती हूँ कैसा है मेरा बेड, देखिए मेरे बेड का हालत, इसको ठीक करने पड़ेंगे, मेरे ड्रेसिंग टेबल का हालत, सब डस्टिंग बाकी है अभी करने की, इसकी हालत देखिए, सारा काम पड़ा है, ये मैं कल पी थी, ये अभी तक यहीं पे रखा हुआ है, ये खंभा की है, और भी बताती हूँ आपको, ये देखिए सुबह में मैं सोची कि क्या सब्जी बनाऊँ, फ्रिज में देखी खोल के तो साग रखा हुआ था, फिर मैं सोची कि अगर मैं साग बनाती हूँ तो मुझे सर्दी लगी है, साग ठंडा करेगा, फिर मैं छोड़ दी, साग नहीं बनाया। फिर उसके बाद मैंने लौकी निकाला फ्रिज में से, फिर लौकी ऐसे काटने बैठी तो फिर मैं सोची कि अगर लौकी की सब्जी बनाऊंगी तो उसमें आलू नहीं पड़ेगा, फिर ऋषभ बोलेगा मुझे आलू का भुजिया बना के दो, तो फिर मैं दो दो सब्जी बनाऊंगी, उसके लिए मेरे आँख नहीं खुल रहा, मैं कैसे इतना करूँगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा चीज़ बनाएं जो सबको पसंद भी आए और मुझे मेहनत भी ज़्यादा ना करना पड़े, तो फिर मैंने फ्रिज में से परवल निकाला, परवल की सब्जी बनाई जिसमें कि आलू भी पड़ते हैं, तो मैंने आज परवल की सब्जी और आलू डाल के सब्जी बनाई, चावल बनाए, दाल बनाए, खाना फिनिश। अब घर का काम बाकी है, मैं घर का काम करने जा रही हूँ और मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हो। आप ही लोग बोलते रहते हैं ना आपका ब्लॉग नहीं आता है, आपका ब्लॉग नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, आना चाहिए डेली, लेकिन डेली में क्या ब्लॉग डालूँ, यही सब डेली घर का काम, घर का ये वो, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना, वो तो डेली का काम वही होता है ना, खाना बनाओ, सवेरे उठो खाना बनाओ, बच्चे स्कूल जाए, फिर घर का काम फिनिश करो, हस्बैंड को स्कूल कॉलेज भेजो, फिर उसके बाद नहा वहा के पूजा पाठ करके खाना खाओ,
फिर उसके बाद आराम करो, सो जाओ, उस सो के उठो तो रील्स बनाओ, रील्स बना के फिर नाश्ते का टाइम आ जाता है, फिर शाम हो जाता है, रात का खाना बनता है, यही सब होता है डेली की ज़िंदगी में। तो ये डेली का ब्लॉग मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। हाँ, ज़्यादा दिन हो जाता है तो फिर मैं घर से ब्लॉग बना लेती हूँ, कुछ भी अपना हाल खबर बता देती हूँ आप लोगों से। तो ये भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि रील्स में तो आप लोग हमें डेली देखते हैं, बल्कि एक दिन में 4 रील्स डालती हूँ, 3 रील्स या 4 रील्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो ये तो डेली में डालती हूँ, तो वो ड्राफ्ट में रहता है मेरा ब्लॉग, वो रील्स ड्राफ्ट में डाली रहती हूँ, तो उसको डालती रहती हूँ बीच में डालती रहती हूँ, तो वो ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत नहीं देता है। और मुझे खुशी लगती है ना, तो मैं खुशी की वजह से भी ये काम करती हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो से एंटरटेन होते हैं, मुझे बहुत खुशी लगती है। और आप लोग खास करके बोलते हैं कि हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब आपकी वीडियो देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कमेंट सब करके। तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। हम दिल से आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी जो काम कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, आप लोग भी हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा आप लोगों की खुशी मांगती हूँ। मैंने आज तक अपने से अलग आप इंस्टा फैमिली और यूट्यूब फैमिली को नहीं किया है। मैं हमेशा उस इंसान को तो ज़रूर ही पहचानती हूँ जो डेली के कमेंट में, डेली के व्यूज़ में रहते हैं। तो वो सबसे मेरा हमेशा प्रार्थना रहता है कि जैसे आप लोग इतने भले इंसान हैं जो भला भला कमेंट करते, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते, मुझे पढ़ के बहुत खुशी मिलती, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि मेरे मेहनत का ये फल है जो मुझे मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट। तो आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हम भी अपना काम करते अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने में भी मेहनत है, नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम हल्के में लेते हैं, खुशी में लेते हैं, इंटरटेनमेंट में लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे अपने घर में बैठ के वीडियो देखिए, खुश रहिए, और हम भी ठीक है और आगे ठीक रहूँगी इसकी दुआ कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कौन सा ब्लॉग आता है पता नहीं, लेकिन मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।